नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। एक बहुत बड़ी खबर के साथ आप सभी लोगों के साथ लाइव जुड़ चुका हूं और खबर ये है, उससे पहले आप दुकान देख लीजिए। किड्स वेयर सदर बाजार में दुकान है। दुकान बंद थी, शटर डाउन था, लेकिन अंदर गाहक अटेंड किए जा रहे थे, दुकानदार अंदर था। अभी शटर को खोला गया है और पुलिस कर्मचारियां मौजूद हैं। पुलिस अधिकारी ने लाइव है सर, आप देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं होता। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, कस्टमर्स अटेंड किए जा रहे थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा लाइव वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आपको पहले दुकान दिखा दूं मैं इस वक्त की, आप ये देख सकते हैं दुकान। दुकानदार हमें कह रहे हैं कि रहने दीजिए, आप दुकान देखिए। और मौके पर जो पुलिस अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने आकर ये दुकान देखी। और जैसे ही देखी, दुकानदार चले गया बाहर से ताला लगाकर, और कस्टमर अटेंड कर रहे थे अंदर। आप देख सकते हैं किड्स वेयर सदर बाजार में ये दुकान है। पहला चालान कट चुका है और पुलिस चौकी में इन्हें बुलाया गया दुकानदार को। हो सकता है अंडर सेक्शन 188 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं सदर बाजार से दिखा रहा हूँ। पहली दुकान का चालान कटा, तो आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखा चुका हूँ। आप देख सकते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंदर कस्टमर्स भी अटेंड किए जा रहे हैं। पारस अग्रवाल कह रहे हैं मुल्तान कॉलोनी पे आओ, बिल्कुल आएंगे सर। उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सदर बाजार इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी। टीम मौके पर होने के बाद ये दुकान खुली हुई थी, अंदर अटेंड किए जा रहे थे और शटर को डाउन कर दिया जाता था, तो इसी वजह से पुलिस ने आकर मौके पर पकड़ा। और उसके बाद आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। साथ साथ आप सभी लोगों को गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुभम अरोड़ा कह रहे गुड जॉब भाई, बहुत खूब, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को इस वक्त की लाइव तस्वीरें सबसे पहले आपके अपने चैनल पर देखने को मिल रही हैं। पुलिस की टीम बाहर मौजूद है, कह रहे हैं हमारा कोरोना वॉरियर्स। शुभम अरोड़ा कह रहे हैं थैंक यू सर। गौरव कुमार कह रहे हैं प्रताप बाजार भी कवर करो चिराग भाई, बिल्कुल करेंगे। शमशेर कह रहे हैं गुड जॉब चिराग भाई, ये लगे रहो, बिल्कुल सर। तो आप लोगों को मैंने लाइव तस्वीरें दिखाई। राइडर इस वक्त जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो आ चुके हैं और आप देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। इस वक्त की आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद देखिए। पहले पुलिस ने इन्हें पकड़ा और इनका चलान जब करने लगे तो ये भाग गए यहाँ से। अब आप देख सकते हैं पुलिस खुद यहाँ मौके पर मौजूद है। यहाँ के जो इंचार्ज है, एरिया इंचार्ज, वो यहाँ मौके पर मौजूद है। कस्टमर्स अटेंड किए जा रहे थे तो फोटो ली जा रही है उनकी। पूरा सख्ती से इनको फॉलो करते हुए आपको दिखाना चाहूंगा लाइव तस्वीरें इस वक्त की। कस्टमर्स आप देख पा रहे हैं अभी निकलेंगे, ये कस्टमर्स जो वही हैं जो कह रहे थे कि हम कपड़े लेने जा रहे हैं, तो मार्केट से कपड़ा लेने के लिए आए। आप देख सकते हैं आप लोगों को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। लकी सीजे कह रहे बहुत अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ऐसा हर किसी का किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ सख्ती से पुलिस फॉलो कर रही है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सनीपसी वगैरह ठीक हुआ, मालूम नहीं सर ठीक हुआ या नहीं, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, इसको देखते हुए सख्ती से। दुकान बंद करा दी गई है और आप देख सकते हैं आपको सिचुएशन मैं दिखा दूं,
देर लगेगी? एक चालान कम से कम कट चुका है मार्केट में, चौकी इंचार्ज खुद मौके पर मौजूद थे और दुकान का चालान कर दिया गया है। आपको इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। वक्त हो चला है मार्केट बंद करने का, 10:42 हो चुके हैं। सिर्फ 15 मिनट में अंदर मार्केट बंद हो जाएगी, दुकानें बंद कर दी जाएंगी, लेकिन हालात कैसे हैं मार्केट के हम आपको दिखाएंगे। आपको लाइव तस्वीरें सब में दिखाना चाहूँगा उमरा गेट मार्केट की, जहाँ रश मुझे थोड़ा सा अब कम होता नज़र आया। सीधा यहाँ से चलेंगे और आपको भगत सिंह रोड की लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे। और सिचुएशन जो है पहले के मुकाबले मुझे काफ़ी कम नज़र आ रही है, ट्रैफिक काफ़ी कम है, लोग कम से कम आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं है। आप लाइव तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, पुलिस कर्मचारी खुद मौके पर मौजूद है और ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सृष्टि वर्मा ऑप्टिकल कह रहे हैं जो खरीदार करने आए हैं उनको भी चालान करो। सर मुझे लगता है कि उनको उनका चालान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दुकानदार खुद बुला रहे हैं उन्हें। जब दुकानें ही बंद होंगी तो दुकान जो खरीदार हैं वो नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर दुकानदार ही नहीं बुलाएंगे तो वो खुद कैसे आएंगे। कृष्णा सीजा कह रहे हैं वहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक खुला है। कहाँ पर सर, कहाँ खुला है सर, आप मुझे बताइए, हम उसको कवर करेंगे। सभी मार्केट को कवर किया जाएगा, सभी, कोई दुकान भी नहीं खुली अभी मुझे नज़र आ रही है, किराने की दुकान के अलावा, जिन्हें अप्रूवल है, जिन्हें अलाउ किया गया है, उसके अलावा कोई दुकान खुली नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों को लाइव तस्वीर इस वक्त में दिखाना चाहूँगा और जो दुकानें यहाँ खुली हैं आप देख सकते हैं, ये दुकानें वैसे के वैसे खुली हैं। आप लोगों को लाइव तस्वीर इस वक्त में दिखाना चाहूँगा। वरुण कुमार कह रहे हैं क्या टाइम है सर, 11 बजे तक की टाइमिंग है सर, 11 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाएगी। किशन इसी जगह कह रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक खुला साहब। राज संगोर कह रहे हैं आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हो क्या, सच का सामना करने में आपको भी परेशानी है। सॉरी सर, आप में काफ़ी कमेंट आ चुके हैं तो मैं हो सकता है कमेंट भूल गया हूँ। आप मुझे अपना कमेंट एक बार फिर से बताइए सर, मैं आपका कमेंट ज़रूर लूँगा। राज कह रहे हैं शहर खुला है और सरकार बोर हो रही है, सरकार बोर रही है, लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ ये कमाल हो गया है। रिंकू जाज कह रहे हैं इसका 1000 का चालान काटो। सर पता नहीं कितना चालान काटना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, एक दुकान का चालान काटा गया और अनिल विज जी की तरफ से कल जो गाइडलाइन आई थी कि स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए रूल्स को, गाइडलाइंस को, उसको देखते हुए प्रशासन सख्त हो चुका है और किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी आपने देखा, हालांकि उनका ट्रीट करने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा था, ज़्यादा तेज़ था। सृष्टि वर्मा ऑप्टिकल कहने तो सर जब खरीदार ले करने ही नहीं आएंगे तो घर से इतनी दूर तो पब्लिक आ रही है ना सर। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, जब मार्केट खुली नहीं होगी तो खरीदार नहीं आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है दुकानदारों को समझना होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सामान उन्हें ही देना है। कस्टमर्स को लेना ज़रूर है लेकिन देना उन्हें है, वो चाहें तो देने से मना कर सकते हैं लेकिन वो मना नहीं कर रहे हैं, वो दुकान खोल रहे हैं और उन्हें दे रहे हैं। आपको इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपके अपने शहर की, आप देख सकते हैं। बड़सी गेट से ऊपर हम आ चुके हैं और दवाइयों की दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए नहीं दिख रही। यूवी सैनी कह रहे हैं भाई आज हांसी में ऐसा बुरा हाल है, दुनिया क्यों नहीं समझ रही है भाई, पता नहीं सर। कृष्ण सिंह कह रहे हैं भगत सिंह रोड की कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉप खुलती हैं, पुलिस वालों को देखकर, पुलिस वाले देखकर भी कुछ नहीं करते। सर मैंने भी देखा आज दुकानें खुलती हैं, शटर खुले रहते हैं और धड़ल्ले से काम चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, और PCR को आता देख शटर डाउन कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। आप लोगों को इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा हूँ।
आपके अपने शहरांसी की। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर खड़े हैं, कस्टमर आता है उसको अटेंड किया जाता है और दुकान दोबारा से शटर डाउन कर दिया जाता है। ये हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है। राज संगोरा कह रहे हैं धन्यवाद भाई, अगर आप कमेंट पढ़ते होते सभी के पढ़ो प्लीज़, नहीं तो किसी का मत पढ़ो प्लीज़। सर एक्चुअली क्या है कि मैं साथ साथ आपसे बात भी करता हूँ और आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाता हूँ, साथ साथ कमेंट भी पढ़ता हूँ, तो एक आधा कमेंट रह जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। गौरव कुमार कह रहे हैं बाल दुकानदार क्यों नहीं मना कर रहे कस्टमर को सामान लेने को, भाई दुकानदार ओके बिल्कुल सर दुकानदारों को मना करना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। पवन दान कह रहे हैं सुखेगा भारत तभी रुकेगा भारत। सर बिना किसी सख्ती के भी मुझे लगता है कि पुलिस की ज़रूरत भी ना पड़े अगर दुकानदार खुद समझदार हो जाए तो। हांसी की जो ऑप्टिकल एसोसिएशन है उन्होंने खुद फैसला लिया, हालांकि उन्हें अलाउड किया गया था कि आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने दुकानें नहीं खोली। खोलने को वो भी खोल सकते थे सर, लेकिन उन्होंने नहीं खोली। गौरव कुमार कह रहे हैं भाई दुकानदारों ये समझ लें लॉकडाउन को फुल सपोर्ट नहीं मिलेंगे, मिल जाएगा। इस सब की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके अपने शहर हांसी की, आपके अपने चैनल गुफ्तगू पर। योगेश सैनी कह रहे हैं रोहतक प्रेमनगर चौक पर कभी लॉकडाउन नहीं लगता। शटर आप देख सकते हैं, दुकान खुली हुई है, कस्टमर अटेंड किया गया है। यहाँ पर शटर खुला हुआ है, एक बार शटर खोलेंगे सर आप देख सकते हैं ये दुकान, अंदर कस्टमर अटेंड किया जा रहा है और देखकर शटर एकदम से डाउन कर दिया गया है। यहाँ के मार्केट वाले कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, सर ये शटर अभी खुला था ना, खुला ही है तो अंदर कस्टमर अटेंड भी किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं दुकानदार भी खड़े हैं और आप खुद देखिए अंदर जा चुके हैं वो दुकानदार, वो देखिए सामने, और अंदर अभी भी कस्टमर इस वक्त मौजूद हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, खोल लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इस वक्त की लाइव तस्वीर, सामने से पुलिस टीम आती हुई नज़र आ रही है और हम खुद दिखाएंगे आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त। ये शटर यहाँ खुला हुआ है, यहाँ शटर खुला हुआ है और पुलिस टीम आ चुकी है। ये शटर यहाँ खुला हुआ है, इसकी दुकान का नाम आप अगर देखें फनी बॉयज के नाम से दुकान है, अंदर कस्टमर अटेंड किए जा रहे हैं, पुलिस टीम आ चुकी है। ये शटर खुला हुआ है सर, अंदर कस्टमर अटेंड किया जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं पुलिस टीम यहाँ मौके पर मौजूद है, अपना अच्छे से काम कर रही है, लेकिन दुकानदार साथ नहीं दे रहे हैं। दुकानदार भाई आप लोगों को लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन पूरा सख्ती के मूड में है और बिल्कुल सख्ती बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ लोगों को नाराज जरूर किया जा सकता है, लेकिन बीमारी से बचना ही होगा। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के एरिया इंचार्ज मौजूद हैं और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए खुद मार्केट में उतरे हुए हैं। देखने वाली बात होगी, ये दुकान तो अभी हाफ डाउन और हाफ खुली है, लेकिन अंदर क्या कस्टमर को अटेंड किया जा रहा है। अभी ये मेरे आगे दुकान खुली थी और एकदम से बंद हो गई और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद हो चुकी है। आप सिचुएशन देखिए, इधर बाजार में बैठे हैं कॉपी लेके चलान वाली, चलान नोटबुक मंगवाई जा रही है, FIR दर्ज की गई है। दूसरा चलान बाजार में, पुलिस टीम के द्वारा शटर खोला जाएगा और हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आएंगी। अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कस्टमर अटेंड किया जा रहा है
आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें, वीडियो बनाए इसकी, कस्टमर अटेंड हो रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें। अंदर ही आप, पुलिस टीम पूरी शक्ति के मूड में। दुकान का नाम एक बार फिर से आप लोगों को मैं दिखा दूं, बाजार में दुकान खुली हुई थी, शटर ओपन थे फंकी बॉयज के नाम से, और दुकानदार अंदर सामान बेच रहे हैं। पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और आपको हमने लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखाई। सनी पसीर कह रहे हैं ये नहीं सुधरेंगे, यू भी सनी कह रहे हैं अच्छी बात है ऐसे ही मानेंगे दुनिया। बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है कि ऐसे ही मानेगी दुनिया। ट्रैफिक क्लियर करवाया जा रहा है कि कोई भी खड़ा नहीं होगा। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं आपके अपने चैनल गुफ्तगू पर। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट पहुँचे, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त ऐसा काम कर रहे हैं, मैंने देखा है। इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी अब, क्योंकि एक दुकानदार के खिलाफ पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है अभी अभी, और अब एक और FIR दर्ज की जाएगी। टीम आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त सख्ती से फॉलो करते हो, क्योंकि अनिल विज जी की तरफ से कल रात को एक गाइडलाइन शेयर की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी अगर फॉलो नहीं करता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और अब कार्रवाई के लिए पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। दुकान खुली हुई थी, दुकानदार अभी फ़ोन मिला रहे हैं, देखने वाली बात ही होगी कि क्या छोड़ा जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सामने से मुझे कुछ लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको भी कवर करेंगे। हमने आपको ऐसी दुकानें दिखाई अभी जो कवर हो रही हैं। कुछ दुकानदार आपस में बात कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। सिचुएशन जो है कंट्रोल में नहीं आ रही थी, इसको देखते हुए पुलिस कर्मचारी बिल्कुल सख्ती से हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अब चलान नहीं हो रहा है, सीधा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है अंडर सेक्शन 188 के तहत। समय को देखते हुए 10:55 हो चुके हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं आपके अपने शहर हांसी की। जो कोई भी दुकानदार नहीं मान रहा है उनकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उनको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिस कैसे सख्ती से उन्हें फॉलो कर रही है। 10:11 में अभी 5 मिनट बाकी हैं और शटर डाउन होते नज़र आ रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं शटर डाउन हो रहे हैं, और आपको दिख रहा होगा कि अब दुकानदार धीरे धीरे मानना शुरू करेंगे, क्योंकि लक्की सीधे कह रहे वेरी गुड सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट बाय यू। सर मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, किसी दुकानदार की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ आपके अपने शहर की, कि जो लोग नहीं मान रहे हैं पुलिस को ऊपर से आदेश जारी किए गए हैं अनिल विज जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कोई नहीं मानता तो अंडर सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। चलान अब सोल्यूशन नहीं रहा, चलान देने के बाद चेतन शर्मा कह रहे हैं अंकुश रजदेवा उनको किसी को टैग कर रहे हैं, तो आप लोगों को गुजारिश करूंगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टैग कीजिए। तिकोना पार्क पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो मार्केट यहाँ पर खुली हुई थी उसे अब बंद कराया जाएगा, टीम यहाँ मौके पर आएगी और वो बंद कराएगी मुझे ऐसा लगता है। और कुछ लोगों ने अभी भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, मास्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं,
इस वक्त की सबसे बड़ी आपको खबर दिखाई, एक सदर बाजार मार्केट में और एक प्रताप बाजार मार्केट में दो दुकानें इस वक्त मुझे खुली नजर आई और दोनों दुकानों का चालान किया गया और साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। सचिन कुमार कह रहे हैं गुड जॉब, कृष्ण एसिजा कह रहे हैं सैनी कन्फेक्शनरी रोज खुलती है जबकि वो सेंशल में नहीं है। कन्फेक्शनरी स्टोर का मुझे पता करना होगा सर, बिल्कुल पता करना होगा। लक्की एसिजा कह रहे हैं जो भी शॉप खुली हैं उनको वीडियोग्राफी करके चालान काट दिए जाएं, पुलिस को आपसे वीडियो कॉपी लेनी चाहिए तभी शॉपकीपर सुधरेंगे। सर हम किसी का चालान कटवाने के लिए मार्केट में नहीं है, हम लोगों को समझाने के लिए मार्केट में है, बीमारी से बचाने के लिए मार्केट में है। और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारा काम सिर्फ रिक्वेस्ट करना है, सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा संभलिए, आप अपने परिवार को देखिए। जिनके लिए आप कमा रहे हैं ऐसी कमाई धरी की धरी रह जाएगी अगर कोई बीमारी अगर लग गई तो। तो सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं तो। यू भी सैनी कह रहे हैं भाई दुनिया को कोई डर नहीं है कोरोना का, बट पुलिस वालों से डरती है दुनिया, कमाल है दुनिया की। सर पुलिस से डरने की जरूरत ही ना पड़े अगर वो अच्छे से फॉलो करे तो। ये सलून आप देख पा रहे हैं अभी एकदम से शटर खोला और बंद किया गया। इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर आपके शहर की लाइव तस्वीरें आपको अपने चैनल पर देखने को मिल रही है। किसी जगह रहे हम अकेले जरूर हैं, अपनी फैमिली के लिए पूरा परिवार है, बिल्कुल सर। कुछ दिन दुकानों को बंद करके अपने आप को रेस्ट देकर अगर कोरोना से बचा जा सकता है, क्योंकि अभी आप जानते हैं जो इसका संक्रमण है कैसे फैल रहा है लोगों में और जो रिकवरी रेट है वो भी घटता जा रहा है, सिचुएशन जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसको देखते हुए आपको मैं बताना चाहूँगा कि दुकानें देखिए, आप खुद देखिए, खुद बंद कर रहे हैं लोग क्योंकि उन्हें पता है, सामने से PCR आती हुई नज़र आ चुकी है और सख्ती से फॉलो करवाया जा रहा है। इनको फॉलो करेंगे, इनके साथ चलेंगे, सिचुएशन क्या है देखने वाली बात होगी। पुलिस की टीम यहाँ मौके पर इस वक्त मौजूद है, आपको लाइव तस्वीर इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा। पुलिस टीम के द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। आप देखिए पूरे शहर में भी ये टीम जाएगी। शटर डाउन किए गए, 11 बज चुके हैं और टीम निकल चुकी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करने के लिए। पैदल भी लोग पुलिस कर्मचारी निकल चुके हैं और गाड़ी पर भी हैं, राइडर्स भी हैं। 11 बज चुकी है सर, अब देखने वाली बात होगी बाजारों में सब कुछ फॉलो किया जाएगा। यानी आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त की मैं दिखा रहा हूँ आपके अपने शहर की। टीम इस वक्त स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है, शटर डाउन करने को बोला गया। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त की, मुझे लगता है PCR भगत सिंह रोड की तरफ जाएगी या नहीं देखने वाली बात है। वहां तो नहीं गई लेकिन सीधा जा रही है, इनको फॉलो करेंगे साथ साथ। आप देख पा रहे हैं हालांकि कल इस दुकान को कहा गया था डिस्पोजेबल वाली को कि आपकी दुकान खुली नहीं रह सकती पुलिस टीम के द्वारा, लेकिन आज फिर खुली हुई नजर आई। आप देख सकते हैं रश को क्लियर करने के लिए पुलिस टीम के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं।
आपको लाइव तस्वीर इस वक्त की मैं दिखा रहा हूँ। दुकान बढ़ाने को कहा जा रहा है, 11 बज चुकी है, दुकान बढ़ाने को कह दिया गया है, शटर डाउन करने को बोल दिया गया है और जो लोग नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ साथ चलेंगे, आप सभी लोगों से गुजारिश है। लकी सी से कह रहे वाहेगुरु मेयर करे किसी को भी बीमारी ना लगे, बट पब्लिक्स भी समझे। बिल्कुल जितेंद्र गर्ग कह रहे हैं किरियाना शॉप की क्या टाइमिंग है? सर किरियाना की 11 बजे तक की टाइमिंग है, कोई भी दुकान हो 11 बजे तक की टाइमिंग है एक्सेप्ट मेडिकल शॉप। आपको इस वक्त की आपके शहर की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप सभी से गुजारिश है वीडियो शेयर कर दीजिएगा। गौरव सेठी कह रहे कन्फेक्शनरी का पता किया जाए, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल पता करेंगे कन्फेक्शनरी स्टोर का, कन्फेक्शनरी स्टोर का बिल्कुल पता किया जाएगा सर, और जरूर पता किया जाएगा। शटर डाउन होते नजर आ रहे हैं, सभी लोग मान रहे हैं और समय के टिंकू मदान कह रहे सर सदर बाजार की किस दुकान का नाम आया? सर किड्स वेयर के नाम से एक दुकान है उस दुकान का, और फंकी बॉयज के नाम से है जो प्रताप बाजार में दुकान है, उस दो दुकानों का चालान किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है आज, और दोनों दुकानें मौके पर पुलिस की टीम के द्वारा पकड़ी गई और पुलिस के जो अधिकारी थे जो सीनियर अधिकारी थे वो मौके पर थे, राउंड लगा रहे थे और कस्टमर को अंदर जाते देखा, उन्होंने चालान करने को बोला और चालान किया भी गया और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। और गौरव जी जरूर आपका सवाल उठाया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा, दुकान बंद होती नजर आ रही है, मैं कोशिश करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा ये सवाल उठाने की और SDM साहब से भी बात करेंगे अगर उन समय मिल सका तो। पूरी मार्केट इस वक्त बंद होती नजर आ रही है, धीरे धीरे शटर डाउन हो रहे हैं क्योंकि 11:04 हो चुके हैं और मार्केट जो है बंद होती नजर आ रही है। जो दुकानें खुली हैं उन्हें बंद कराया जा रहा है, PCR के द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है समय समय पर। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने लोग घर बैठे हैं वो लाइव अपडेट देख सकें, लाइव जुड़ सकें। तिकोना पार्क की तरफ टीम मौजूद है इस वक्त, सभी दुकानें बंद कराई जाएंगी जो खुली नजर आ रही हैं, किराने की दुकानें आप देख पा रहे हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपके अपने चैनल गुफ्तगू पर। जूस पी रहे हैं लोग कुछ बैठ कर यहाँ पर, टीम तिकोना पार्क से उमरा गेट की तरफ मुड़ चुकी है और साथ साथ अनाउंसमेंट की जा रही है। दुकानें आप देखिए सामने सामने आगे चलिए और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शटर एकदम से डाउन होते नजर आ रहे हैं, वो देखिए शटर डाउन होते नजर आ रहे हैं, आप खुद देखिए इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा मैं, और शटर अभी डाउन कर रहे हैं ये पुलिस की टीम, आपको दिखाना चाहूंगा लाइव तस्वीरें। आप देख सकते हैं आगे एक डिपार्टमेंटल स्टोर और खुला हुआ है, बजाज डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से है और वो दुकान कस्टमर से अटेंड किए जा रहे थे, उन्हें कहा गया कि दुकान को बंद किया जाए। ये सामने आप दुकान देख सकते हैं, इसको बंद कराने के लिए कहा जा रहा है।
टीम मुझे लगता है फर्नीचर मार्केट की तरफ जाए या भगत सिंह रोड की तरफ भी जा सकती है। साथ साथ आप इन्हें हम इन्हें फॉलो करेंगे। यहाँ पर दुकानें बंद कराई गई थी लेकिन दुकानें बंद नहीं हुई, वापस यहाँ टीम मुड़कर आ चुकी है। हम आगे चलेंगे और सिचुएशन देखेंगे। आप देख सकते हैं आपको सिचुएशन दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये दुकान भी बंद कराई जा रही है, फ्रूट की शॉप है। भगत सिंह रोड की तरफ गाड़ी मोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं सिचुएशन जो है, कोल्ड ड्रिंक की शॉप भी ओपन होती है सुबह सब्जी मंडी, बस सारी प्रशासन सोया हुआ है। क्या आप पूछो इनसे ये कौन से एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, सर सब पूछा जाएगा सब। हम आज एसडीएम साहब से कोशिश करेंगे समय लेने का और उनसे हर एक सवाल पूछा जाएगा, हर एक सवाल। आप ये दुकान देख सकते हैं खुली नजर आई, ये दुकानें भी यहाँ खुली नजर आई और इनकी फोटो ली जा रही है अब। और आप देखिए ये दुकान, सारी दुकानों की तस्वीरें ली जा रही हैं। तस्वीरें लेने का मतलब है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपको इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपके अपने शहर हांसी की। दुकानें आप देखिए सारी खुली हुई नजर आई मुझे, भगत सिंह रोड पर सारी दुकान मुझे खुली नजर आ रही है। दुकानदारों की तरफ से बताया जा रहा है कि 12 बजे का टाइम दिया गया है तो 11 बजे दुकान क्यों बंद की जाए, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कोई 12 बजे का टाइम नहीं दिया गया है, दुकानें बंद कराने को लेकर कह दिया गया है। व्यक्ति को थोड़ा समझ नहीं आया, ये दुकान खुली नजर आई और टीम मुझे लगता है कि अब कुछ एक्शन लिया जाएगा पुलिस टीम के द्वारा, क्योंकि यहां दुकान खुली नजर आई है एक, लेकिन नहीं उनको खोलने ही दिया और आगे निकल गई टीम। तो दुकानदारों के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ नहीं की गई, तो ऐसा टीम के द्वारा किया गया अभी। आप लोगों को इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ एक और दुकान मुझे खुली नजर आई, दुकान का नाम भी हम बता देते हैं आपको, श्याम लाल शिव कुमार। ये दुकान खुली है, कस्टमर्स अटेंड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दुकान इस वक्त खुली हुई है। एक और दुकान यहाँ खुली नजर आई, साथ साथ हम फॉलो करेंगे टीम को। गौरव सिटी कह रहे हैं प्रशासन को बाहर आकर चलान करने चाहिए, ये ऐसे पिक कैप्चर करने से नहीं मानेंगे। बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है। साहिल मदान कह रहे हैं पुलिस को सिर्फ बोलने से नहीं मानते ये दुकानदार, चलान या मुकदमा करना जरूरी है तभी मानेंगे। सर आज दो लोगों के हुए तो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी मानेंगे इससे, कम से कम वो दो दुकानदार तो नहीं खोलेंगे अब से। हालांकि सिचुएशन क्या होती है वो देखने वाली बात होगी। इस वक्त मैं आपको पुराना बस स्टैंड की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप खुद देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें, बड़सी गेट के पास हम मौजूद हैं इस वक्त। आगे भी पुलिस की पूरी टीम मौजूद है और साथ साथ PCR भी मौके पर है। अगर बावजूद इसके दुकान खुली पाई जाती है
तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं डील दे रहा है। लेकिन यहाँ दवाइयों के अलावा मुझे और कोई दुकान खुली नजर नहीं आई, अभी सभी दुकानें बंद नजर आई और टीम इस वक्त पूरा एक्टिव नजर आ रही है, अलर्ट है, और महिला कर पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। फर्नीचर मार्केट को अब कवर किया जाएगा। फर्नीचर की दुकानें मुझे बंद नजर आई। आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एडवोकेट कह रहे हैं नरेश खुराना, और किसी को फॉलो करें, करेंगे सर। अंकुश सचदेवा कह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकुश सचदेवा कह रहे हैं जगदीश कॉलोनी में शॉप्स ओपन है, वहीं वहीं जाओ। जाएंगे सर, जाएंगे, एक बार इनके साथ चलते हैं, कोई मौके पर अगर मौजूद पाया गया तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंकुश सचदेवा कह रहे हैं जगदीश कॉलोनी में आइए। आएंगे सर, आएंगे, आप देख सकते हैं सब। मास्क नहीं लगा रखा था, उनका उनकी तरफ से कहा गया कि हम घर जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको आपके शहर की दिखा रहे हैं। गौर सिटी कह रहे हैं पीसीआर को फॉलो मत कीजिए, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ चेक करने आए हैं। आगे मुझे पुलिस कर्मचारी की एक और गाड़ी मौजूद पीसीआर दिख रही है, और पूरा अच्छे से उमरा गेट पर कम से कम फॉलो किया जा रहा है। दो दो पीसीआर, डीएसपी साहब मुझे लगता है मौके पर मौजूद हैं इस वक्त। बिल्कुल विनोद शंकर जी, डीएसपी साहब खुद मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, और जो सीआई से कल इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एसएचओ साहब भी मौके पर हैं। आपको मैं लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखाना चाहूँगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। एसएचओ साहब, डीएसपी साहब और सीआईए स्टाफ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो खुद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं दुकानें बंद कराई जा रही हैं। डीएसपी साहब खुद इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। आप एक बार लाइव तस्वीरें देख लीजिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आगे से भी एक पीसीआर आती हुई नजर आई। पुलिस की टीम इस वक्त पूरी मौजूद है यहाँ चौक पर। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूँ। सवाल पूछे जाएंगे डीएसपी साहब से, भी हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। डीएसपी साहब खुद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इंस्पेक्शन किया जा रहा है। पूरी चेकिंग की जा रही है। निर्देश दे दिए गए हैं कि इस रोड को बिल्कुल खाली करा दिया जाए। खुद फील्ड में उतर चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने भी पूरी महिला पुलिस कर्मचारी यहां मौके पर मौजूद हैं इस वक्त। डीएसपी साहब निर्देश दे रहे हैं कि ये दुकानें बंद की जाएंगी और यहाँ क्लियर कराया जाएगा। सिचुएशन आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें। रोक कर पूछा जा रहा है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं हर चौक पर ऐसे ही पुलिस की टीम। साहिल मैदान कह रहे हैं ऐसे होना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि डीएसपी साहब इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं सिचुएशन जो है, कहा जा रहा है कि गाड़ी वाले को इधर से ले लिया जाए। डीएसपी साहब खुद मौके पर मौजूद हैं, महिला पुलिस कर्मचारी भी मौजूद हैं, और
CIA के स्टाफ के और SHO साहब, CTSHO साहब भी इस वक्त मौके पर हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कराया गया है एरिया को। और DSP साहब से भी हो सकेगा तो हम सवाल ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल बिजी नज़र आ रहे हैं। आगे पुलिस वालों को रोका जा रहा है, चौक पर पूरी चेकिंग की जा रही है, जो रास्ता है उसको बिल्कुल क्लियर कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति घर से बेवजह बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप देख सकते हैं इस वक्त आप लोगों को लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा उमरा गेट चौक पर। इस वक्त पूरी पुलिस कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं और आप सिचुएशन देख सकते हैं इस वक्त। आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, वहां से PCR बिल्कुल क्लियर कराकर आ चुकी है, मौके पर मौजूद है इस वक्त। DSP साहब यहां से जाते हुए, DSP साहब यहां से जाते हुए, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस की टीम यहां पर अभी भी मौजूद रहेगी। मुझे लगता है शहर का पूरा दौरा किया जाएगा। SHO साहब की गाड़ी भी यहां से जाते हुए, देखने वाली बात यह होगी जा, बिल्कुल जा, बिल्कुल मैम छोड़ आएगा मैम को छोड़ के आना है, छोड़ा। आपको लाइव तस्वीर इस वक्त की मैं दिखा रहा हूँ, सिचुएशन जो है पुलिस टीम को हमारी थोड़ी मदद की जरूरत हुई तो हम उन्हें जरूर हेल्प करेंगे। पुलिस की टीम पूरा अच्छे से काम करती है, इस वक्त चौक पर पूरी टीम मौजूद है और हम आपको लाइव तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे। पूरी यहाँ चेकिंग की जा रही है, पूरे अच्छे से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इस वक्त सिचुएशन, आप देख सकते हैं बाइक रुकवा दी गई है, बाइक को भी चेकिंग की जाएगी, अब पूछा जाएगा। आप लोगों को इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, महिला आ
लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन पूरा इस वक्त सख्ती बरत रही है। चौक पर इस वक्त पूरी पुलिस टीम मौजूद है। आपको मैंने बताया कि अनिल विज की तरफ से एक आदेश जारी किए गए थे कल रात को ही, एक गाइडलाइन शेयर की गई थी। अगर आपकी कोई किराने की दुकान है, दवाई की दुकान है, तो आपको अपना पास दिखाना होगा या आपका जो कार्ड है आई कार्ड, वो आपको दिखाना होगा कि आपकी किस चीज़ की दुकान है। तो उसको देखते हो, अब सामने दुकानदार के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीर इस वक्त मैं आपको उमरा गेट की तरफ से दिखाना चाहूँगा। बहुत जो है पुलिस टाइट हो चुकी है, प्रशासन पूरा सख्ती के मूड में है। आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलान मशीन लाई जा चुकी है और चलान किया जाएगा। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पुलिस की पूरी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। प्रशासन पूरा सख्ती के मूड में इस वक्त नज़र आ रहा है। आपको मैं सिचुएशन दिखाना चाहूँगा, बाइकें रोक दी गई हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और बाइकें रोक दी गई हैं और साथ साथ चलान भी किए जा रहे हैं। जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं पुष्पा सियाग जी, वो खुद मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। डीएसपी साहब भी अभी आए थे। आप लोगों को इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखाता हूँ। चलान करा जा रहा है, चलान काटा जा रहा है पुलिस टीम के द्वारा और चेकिंग पूरी अच्छे से की जा रही है। अगर आपको कम से कम उमरा गेट चौक पर आना है तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहाँ अभी कुछ देर पहले इतना रश हुआ करता था वो अब बिल्कुल। आप सभी लोगों को मैं कमेंट लूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चलान मशीन निकाली जा चुकी है, चलान किया जाएगा। अब दो दुकानदार, दो बाइकों वाले इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। बाइक एक बार फिर से रोकी गई, उन्होंने बताया गया, उनका रीज़न जो दिया गया उसके बाद उन्हें अब जाने दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त कम से कम पुलिस की टीम पूरी सख्ती के मूड में है, चलान किया जा रहा है। आप लोगों को लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा। मनोज सनेजा कह रहे भाई आईफोन ले लो रिपोर्टिंग के लिए। सर आप लोगों का प्यार बना रहा तो ज़रूर सभी सब कुछ लिया जाएगा। गौरव कुमार कह रहे हैं गुड जॉब लेडी स्टाफ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो पुष्पा सियाग जी हैं बहुत अच्छे से अपनी बखूबी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा रही है। विजेंद्र मित्तल कह रहे हैं ग्रुप में ऐड कर दो, बिल्कुल करेंगे सर। सत्येंद्र मिश्रा कह रहे हैं भाई क्लियर नहीं आ रहा। राजू भाई कह रहे हैं चिराग भाई ये जनता नहीं सुधरने वाली। आप खुद देख सकते हैं इस वक्त पूरी चेकिंग की जा रही है चौक पर, उमरा गेट चौक पर कम से कम इस वक्त पूरी पुलिस की तैनाती हो चुकी है और हर किसी को आने जाने वाले को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। मुझे लगता है कि पुलिस की टीम काम करेगी और हम पुष्पा सियाग जी से ज़रूर बात करेंगे। अभी यहाँ के एरिया इंचार्ज
अभी कुछ देर पहले यहाँ SHO साहब, DSP साहब, सभी लोग यहाँ मौके पर मौजूद थे। नीले वाले चाहिए होंगे, आप देख सकते हैं सामने एक बाइक वाले को रोका गया पुलिस टीम के द्वारा, बाइक वाले को रोका गया और उनको कहा जा रहा है कि आगे लिया जाए। एक ऑटो को भी यहाँ रोका गया है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूँगा। नीले वाले चाहिए आप, आगे आपको एक बार मैं दिखा दूं लाइव तस्वीरें इस वक्त की, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, ये देखिए चेकिंग के लिए कहा गया है। आप लोगों को मैंने दिखाया, इस वक्त चौक पर पूरी टीम मौजूद है। बाइक वाले को फिर से रोक दिया गया है। बाइक इंपाउंड की गई है और साथ साथ बात कराई जा रही है। ऑटो रोक दिया गया है, ई रिक्शा जो है उसे रोका गया, उनसे सवाल किया गया। सामने से एक बाइक और रोकी गई। आप देख सकते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, आप लोगों को लाइव तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रहा हूं। दीपक कुमार कह रहे राइट, आप सभी से गुजारिश करूंगा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए इस वक्त खुद महिला पुलिस कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं, एरिया इंचार्ज भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बाइक एक बार फिर से रोकी गई। उमरा गेट से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग खुद देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें। ऑटो वाले को रोका गया। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए सख्ताई बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त कागज चेक कराए जाएंगे अब टीम। आपको मैं लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखाना चाहूंगा। आप सभी से गुजारिश करूंगा ये वीडियो शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। हर गाड़ी वाले को भी चेक किया जा रहा है, बाइक वाले को चेक किया जा रहा है, ऑटो वाले को रोका जा रहा है, सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। आप देख सकते हैं पैदल या साइकिल वाला भी अगर व्यक्ति कोई जा रहा है तो उसको भी पूछताछ की जा रही है। इस बाइक को थाने में इंपाउंड की जा रही है, इस बाइक को थाने में पहुंचाया जा रहा है और अभी अभी ऐसा पुष्पा सियाग जी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं।
आप देख सकते हैं। टीम के द्वारा सख्ती से फॉलो किया जा रहा है हर चीज़ को। आपको इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त की आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। इस बाइक को इंपाउंड किया गया है। आगे से सामने से मुझे गाड़ी आती हुई नज़र आ रही है। क्या इस गाड़ी को रोका जाएगा? ऑटो को रोक दिया गया है, ई रिक्शा को रोका गया है, गाड़ी को रोक दिया गया है। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए पूरी पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन पूरा मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस वक्त। बाइक एक स्कूटी फिर से रुकवा दी गई। यहाँ पर भी बाइकें रुकवा दी गई हैं। आप सभी लोगों को सिचुएशन जो मैं है दिखाना चाहूँगा, इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपके कमेंट जो आप करते रहिए। अब कुछ फ़र्क है पहले से? साउल सर सर कह रहे हैं बिल्कुल सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क है पहले से। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए इस वक्त पूरी पुलिस टीम उमरा गेट चौक पर मौजूद है। ऑटो रुकवा दिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आप सभी लोग लाइव तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि सिचुएशन जो है कंट्रोल में लाने के लिए हर किसी को रोका जा रहा है, हर किसी से पूछताछ की जा रही है, चाहे वो साइकिल पे हो चाहे वो पैदल हो। इस बाइक को अब पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा है, इंपाउंड करवाई जा रही है इस बाइक को। हो सकता है कि फ़ोन पर बात कराई जाए। बाइक लेकर जाया जा रही है, इंपाउंड करवा दी गई है इस बाइक को पुष्पा सियाग जी के द्वारा। एक और बाइक रुकवा दी गई, दवाइयां चेक की जाएंगी अब। पुलिस टीम पूरी सख्ती बरतते हुए चौक पर इस वक्त मौजूद है। एक और स्कूटी रुकवाई गई।
और बाइक को रुकवा दिया गया है। देखो सब तो ये वीडियो मुझे लगता है कि यहीं पर एंड करनी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो इस वक्त कंट्रोल में नज़र आ रही है, और शहर को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस प्रशासन इस वक्त मौजूद है। और हमें लगता है कि हमें भी पुलिस वालों की हेल्प करनी चाहिए। आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल उमरा गेट चौक से बिल्कुल लाइव तस्वीरें